सो एक बार दोबारा देख लेते हैं. द क्वेश्चन सेज यू आर गिवन अ सॉर्टेड एरे बट द एरे इज रोटेटेड राइट. द एरे इज रोटेटेड राइट. सो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट हुआ एरे, तो कैसे हो रहा है? सो दिस एरे इज रोटेटेड राइट. सो 1 2 3 यहाँ तक सॉर्टेड है एंड अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक सॉर्टेड है. सो वी नीड टू फाइंड आउट द हाइएस्ट एलिमेंट पिवट एलिमेंट इन द एरे. सो बेसिकली इंडेक्स ऑफ दिस एलिमेंट राइट. सो आई नीड द इंडेक्स ऑफ दिस एलिमेंट. सो इन दिस केस द इंडेक्स इज नथिंग बट 2. सो द इंडेक्स इज, सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 राइट. सो दिस इज द हाइएस्ट और द पिवट एलिमेंट एंड द इंडेक्स इज 2. सो द आउटपुट इज नाउ 2. सो बाइनरी सर्च क्या कहते हैं? टेक अ स्टार्ट पॉइंटर, दिस इज स्टार्ट, दिस इज द एंड एंड फाइंड आउट द मिड पॉइंट राइट. सो मिड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? द मिड पॉइंट इज नाउ 3. ठीक है, मिड पॉइंट 3 है राइट. सो पहली चीज तो है मिड को अपने लेफ्ट और राइट से कंपेयर करो. अगर मिड का लेफ्ट छोटा है, इफ एरे ऑफ मिड इज लेस देन एरे ऑफ मिड माइनस 1, जैसे यहां पे हो रहा है, तो तुम्हें पिवट एलिमेंट मिल गया. इसको इन दोनों से कंपेयर करो. अगर 1 तुम्हारा छोटा है 7 से, सो द पिवट एलिमेंट इज नथिंग बट द मिड माइनस 1. सो दिस इज वन केस, दिस इज द वन पॉसिबिलिटी विच कैन अराइज. ठीक है, द सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? लेट से ये एरर ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 मेरे पास यहाँ पे 8 होता. ठीक है, अब पिवट एलिमेंट चेंज हो जाता राइट. अब पिवट एलिमेंट क्या होता? 8 ही होता राइट. सो इन दिस केस अगेन कंपेयर करो मिड को अपने लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से और अपने राइट मोस्ट एलिमेंट से. सो फर्स्ट केस एरे ऑफ मिड माइनस 1 से छोटा नहीं है. सो सेकेंड केस क्या होगा? एरे ऑफ मिड को कंपेयर करो किस से? अपने राइट साइड वाले एलिमेंट से. तो राइट साइड पे क्या पड़ा है? 2. ठीक है, 2 पड़ा है एंड एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन 2. सो इस केस में आंसर क्या होगा? सो इस केस में जो पिवट एलिमेंट होगा वो मिड ही होगा राइट. सो आंसर इज मिड. ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है? ये दोनों कंडीशन नहीं आ रही राइट. ये दोनों कंडीशंस फेल हो रही हैं. ठीक है, सो लेट्स से ऐसा कुछ एरे है, यहाँ पे 9 है, द एलिमेंट इज नाउ 9 राइट. द एलिमेंट इज 9 एंड लेट्स से यहाँ पे 10 है. ठीक है, सो अब क्या होगा? अगेन आई कंप्यूट मिड, मैंने मिड कंप्यूट किया. ठीक है, सो एरे ऑफ मिड अपने पिछले वाले से छोटा नहीं है और अपने अगले वाले से भी बड़ा नहीं है राइट. सो 8 इज नॉट ग्रेटर देन 9, 8 इज नॉट लेस देन 7. सो मिड पॉइंट ये है. ठीक है, अब तो मैं कंफ्यूज हो गया, अब मेरे को कहाँ पे जाना है अब तो पता ही नहीं है राइट. तो इस केस में हमें देखना होगा इस एरे के दो पार्ट्स होंगे राइट. इस एरे के दो पार्ट्स होंगे. सो वन पार्ट इसके एक लेफ्ट, एक इसका लेफ्ट पार्ट है और एक इसका राइट पार्ट है. ठीक है, सो इनमें से एक पार्ट सॉर्टेड होगा राइट. ओनली वन पार्ट विल बी सॉर्टेड. सो ओनली वन पार्ट विल बी सॉर्टेड. सो कौन सा पार्ट सॉर्टेड है? हमें दिख रहा है लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है राइट. तो राइट पार्ट सॉर्टेड नहीं है. तो जो पार्ट सॉर्टेड नहीं है तो पिवट एलिमेंट वहां पे लाई करेगा, ऐसा ही होगा ना. अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहां पे फिर से, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, सो ये ऐसा कुछ है.
राइट। सो दिस इज द पिवट एलिमेंट, इसका एक पार्ट सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट तो सॉर्टेड है बट ये वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है, राइट। सो पिवट कौन से पार्ट में लाई करेगा, जो मेरा अनसॉर्टेड वाला पार्ट है। सो अनसॉर्टेड वाले पार्ट में मेरा पिवट एलिमेंट लाई करेगा, ठीक है। तो अनसॉर्टेड पार्ट पे कॉल करना है, मतलब अनसॉर्टेड पार्ट पे मेरे को काम करना है, राइट। सो हाउ कैन आई चेक कौन सा पार्ट सॉर्टेड नहीं है, राइट। सो अगर मैं बोलता हूँ एरे ऑफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिड, या फिर मैं बोलता हूँ एरे ऑफ एंड, जो एरे ऑफ एंड है वो एरे ऑफ एंड ये है फोर, दिस एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू मिड, सो इट मीन्स द राइट पार्ट इज नॉट सॉर्टेड, द राइट पार्ट इज नॉट सॉर्टेड, राइट मेरा सॉर्टेड नहीं है। सो राइट राइट पार्ट पे जाना है, तो राइट पार्ट पे कैसे जाएंगे, तो स्टार्ट को कहाँ पे ले जाऊँ, मिड प्लस वन पे, तो स्टार्ट आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो स्टार्ट कहाँ पे आ जाएगा, मिड प्लस वन पे, राइट। या फिर दूसरा केस हो सकता है, अगर मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड नहीं है, राइट, लेफ्ट पार्ट इज नॉट सॉर्टेड, सो उसकी कंडीशन क्या होगी, जो मेरा एरे ऑफ मिड है वो छोटा है स्टार्टिंग पॉइंट से, राइट। ऐसा भी हो सकता है, अगर ग्राफ ऐसा है और मिड पॉइंट ये आ रहा है, इफ दिस इज द मिड पॉइंट, सो एरे ऑफ स्टार्टिंग ये होगा, मिड पॉइंट छोटा होगा, सो आई कैन से जो पिवट एलिमेंट है वो लेफ्ट पार्ट में लाई कर रहा है, लेफ्ट पार्ट में लाई कर रहा है, राइट। सो इस डायग्राम को याद रखना, दिस विल हेल्प यू, ठीक है। तो पहले ये वाला केस देख लेते हैं, स्टार्ट अगर मिड प्लस वन पे आ जाएगा तो स्टार्ट कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट यहाँ पे आ चुका है, तो इतना बार डिस्कार्ड हो गया है एरे का। अब अगेन मिड पॉइंट नया निकालेंगे, ये वाला निकलेगा, राइट। सो यहाँ पे 10 पड़ा है। नाउ ये जो कंडीशन हमने लगाई थी फिर से चेक कर लेते हैं, इफ एरे ऑफ मिड इज लेस देन एरे ऑफ मिड माइनस वन, क्या 9 10 से छोटा है, नहीं, क्या 10 9 से छोटा है, नहीं, क्या एरे ऑफ मिड अपने अगले एलिमेंट से बड़ा है, क्या 10 4 से बड़ा है, यस, सो पिवट एलिमेंट क्या होगा 4, तो यहां से रिटर्न क्या हो जाएगा 4, सो फ्रॉम दिस केस आई कैन से द पिवट एलिमेंट इज द मिड पॉइंट, अब जो मिड पॉइंट निकला है वही पिवट है। सो दूसरा केस भी देख लेते हैं, लेट से ये वाला केस कब होगा, लेट से एलिमेंट्स ले लेता हूँ मैं, सो कार्तिक इज आस्किंग मी टू ड्राई रन ऑन अनदर एरे विच इज 1 2 3 4 5 6 7, ऑल राइट कार्तिक आई विल डिस्कस दिस थिंग, सो द क्वेश्चन सेज 1 2 3 4 5 and 6 7, राइट। सो कार्तिक इज आस्किंग मी टू ड्राई रन ऑन दिस वन, सो लेट्स ड्राई रन ऑन दिस पार्ट, एंड सरबजीत इज आस्किंग मी हाउ टू मेक सच ग्राफ्स, राइट। So Sarabjit, if you carefully analyze this array, you can see the graph is something like this. There are numbers which are in increasing order, and there are numbers, then there is a sudden dip, 7 ke baad seedha 1 pe aa gaye, and again the numbers are in a increasing order, right? And this number is going to be less than this number, you know. So this is how the graph of a sorted rotated array looks like. So let's start.
So again, I need to find out the pivot element. Let's say this is my starting point. This is my ending point. And numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? And the midpoint is nothing but start plus end upon 2, right? So midpoint is nothing but this point, right? So here I will check क्या टू क्या कंडीशन लिखी थी हमने यहाँ पे क्या मिड एरे ऑफ मिड माइनस वन से छोटा है क्या टू वन से छोटा है नहीं क्या टू थ्री से बड़ा है नहीं राइट सो इट मीन्स अभी के लिए जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है राइट यहाँ लाई कर रहा है ऐसा कुछ है ना ग्राफ में भी हमें पता है टू यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है ठीक है अब जो पिवट एलिमेंट होगा या तो टू के राइट इसके राइट में होगा या इसके लेफ्ट में होगा सो आइदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ठीक है राइट में होगा या लेफ्ट में होगा बट वी नो पिवट अनसॉर्टेड वाले पार्ट में होगा राइट तो यहां पे तुम्हें दिख रहा है राइट पार्ट तुम्हारा सॉर्टेड है तो इसमें पिवट नहीं है पिवट किस में है लेफ्ट वाले पार्ट में लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो ये जो अनसॉर्टेड पार्ट है इसके अंदर पिवट प्रेजेंट है राइट वी नो दिस इज द पिवट पॉइंट एंड दिस इज प्रेजेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट बिकॉज यहाँ पे इंक्रीजिंग में आ रहे एंड यहाँ से फिर सॉर्टेड नहीं है इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट है राइट तो अब क्या होगा मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है अगर एरे ऑफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ मिड अगर ऐसा केस आ रहा है एरे ऑफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ मिड सो इट मीन्स यहाँ पे ये स्टार्ट है और ये मेरा मिड पॉइंट है राइट सो आई नो एरे ऑफ स्टार्ट यहाँ पे मेरा एरे ऑफ मिड से बड़ा है सो मेरे को कहाँ पे कॉल करना है मेरे को कॉल करना है लेफ्ट पार्ट पे सो आई हैव टू सर्च ऑन द लेफ्ट साइड पे राइट सो अगर लेफ्ट साइड पे सर्च करना है सो वॉट आई कैन डू इज I can simply make end point to mid minus 1. So, मेरा end अब कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे. I will discard this part और end मेरा यहाँ पे आ जाएगा. Right? Again, I will find out the midpoint. Now, the midpoint will be this one. Right? And again, I will check for the condition. क्या 7 6 से छोटा है? नहीं. क्या 7 1 से बड़ा है? Yes. It means 7 is the pivot. So the pivot element is 7. So pivot index is nothing but 1. So is this thing clear? क्या ये समझ आ गया? Right. All right. So everyone is saying सबको समझ आ गया. तो अब इसका coding वाला part देखते हैं. Let's try to code this problem. So let's take this array only. इसी array को ले लेते हैं. So int array equals to 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 right. I know the starting point is 0. Ending point is n minus 1. Where n is the number of elements in the array. And I have to use a while loop, right? So while start is less than equal to end, I have to do some work, right? The first condition is if array of mid is greater than array of mid plus 1, so it means pivot element yahi hai, right? 7 is greater than 1, so pivot is nothing but 7, right? So you can say return mid, or you can say C out mid and you can break the loop right if array of mid is less than array of mid minus 1 agar aisa case hai right
अगर ऐसा कुछ केस है, जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 7 होता, 6 की जगह 8 होता और यहाँ पे 7 होता, तो इन दैट केस द पिवट एलिमेंट इज मिड माइनस 1, तो यू कैन से सी आउट मिड माइनस 1 एंड यू कैन ब्रेक. अदरवाइज यू हैव टू चेक इफ एरे ऑफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ मिड, अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है राइट, जो यहाँ पे हमने लिखा है, तो उस केस में हमें पता है हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल करना है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट अनसॉर्टेड है, तो इन दैट केस यू कैन से एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1. अदरवाइज यू कैन से, क्या बोलोगे अदरवाइज, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1. सो दीज आर द केसेस. एंड एक कंडीशन जो हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, मिड माइनस 1 को मैं तभी चेक कर सकता हूँ अगर मेरा मिड माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट, और यू कैन से मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट. ठीक है, अगर हम 0 पे खड़े हैं, अगर एरे ऑफ मिड 0 है, सो अगर मिड 0 है तो मिड माइनस 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आई हैव टू इंश्योर द मिड इज ग्रेटर देन द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड आई हैव टू ऑल्सो इंश्योर द मिड इज लेस देन द एंडिंग पॉइंट, बिकॉज अगर मिड एंड पे पड़ा है और तो मैं एरे ऑफ मिड प्लस 1 से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ राइट, सो आई हैव टू इंश्योर द मिड इज लेस देन एंड, तभी मैं मिड प्लस 1 कंप्यूट कर सकता हूँ, एंड मिड इज ग्रेटर देन एस तभी मैं मिड माइनस 1 कंप्यूट कर सकता हूँ राइट. सो इन केस यहाँ पे अगर एस ग्रेटर देन ई हो जाता है, तो मिड इज, तो पिवट एलिमेंट नहीं है, पिवट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. मिड कंप्यूट नहीं किया है राइट, बिल्कुल ठीक फिगर आउट किया स्टूडेंट्स ने. सो मिड इज नथिंग बट स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2. सो लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सो लेट्स रन दिस वन. सो कहाँ पे एरर आ रहा है? ऑल राइट, सो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, सो यू कैन सी द पिवट एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट इंडेक्स राइट, फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है. एंड लेट्स से अगर मैं एरे में चेंज करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स डाल देता हूँ 8 9, नाउ द पिवट एलिमेंट इज 9 राइट, तो इंडेक्स शुड बी 0 1 2 एंड 3, सो पिवट एलिमेंट 3 होना चाहिए, सो पिवट एलिमेंट इज नाउ 3 राइट. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरी वन, समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस वन?